वीरं विशालनयनं रत्तुपल्कोमलसमप्पायं तिवियेण पद्मयूढं शीलगुणाणं निशामहे इडमु अरिहन्ताडं इडमु सिद्धाडं आयिर्याडं इडमु वज्रायाडं इडमु नोये सहस्राहूणं भगवान की अच्छे गुरु विरासत का जीव हम निराज की अहिंसा में विश्व धर्म की महानुभाव सील पावन ग्रंथ गाथा नंबर 5 और 6 की श्रवण संबोधनी टीका की व्याख्या यहाँ पर चल रही है, जिसमें बात को आगे बढ़ाते हुए आदि पुराण का प्रमाण देते हुए कहते हैं 24वें अध्याय के 119 नंबर श्लोक में कहा है, माध्यस्य लक्षणं प्राहु चारित्रं वित्रश्रोणि मोक्षकामस्य निर्मुक्त चेलस्याहिं हिंसकस्य तत्। इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग देश रहित होना, इस मध्यस्थता को चारित्र कहा गया है। यह चारित्र वित्रष्ण विषय तृष्णा रहित मोक्षार्थी अपरिग्रही व अहिंसक मुनि के ही होता है। निश्चय चारित्र की पर्याय ब्रह्म नये चक्र ग्रंथ गाथा 357 में इस प्रकार बताए गए हैं, चारित्र को ही समता मध्यस्थ शुद्ध भाव वितरकता धर्म एवं स्वभाव आराधना कहा जाता है। व्यवहार चारित्र का साध्य निश्चय चारित्र को माना गया है। व्रत संग्रह गाथा 45 की टीका में कहा भी गया है, वीतराग चारित्र का साधक सराग चारित्र होता है। वीतराग चारित्र साधकम सराग चारित्रम। अब चारित्रहीन ज्ञान की निष्प्रयोजनता किस तरह है यह प्रतिपादित किया जा रहा है। तत्व निश्चय में शास्त्र व आगम आदि का ज्ञान उपयोगी माना जाता है, उससे नियमता मोह का नाश होता है। प्रवचन सार ग्रंथ पहले अध्याय की 86 नंबर गाथा और 30 अध्याय की 32 नंबर गाथा में कहा गया है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जिनेन्द्र प्रणीत शास्त्र से पदार्थों को जानने वाले व्यक्ति का मुंह है समूह नियमता नष्ट हो जाता है, इसलिए शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। श्रवण वही है जो एकाग्रता को प्राप्त होता है। एकाग्रता उसी के होती है जो जीवा जीवादि पदार्थों के विषय में निश्चित है, अर्थात संशय विषयादि रहित सम्यक ज्ञान का धारक है। और जो पदार्थों का निश्चय आगम से होता है, इसलिए आगम के विषय में चेष्टा करना, आगम ज्ञान हेतु उद्यम करना श्रेष्ठ कार्य है। तथापि यह कहना एकांतिक सर्वथा भावी नहीं है। बहुत से शास्त्र आदि के ज्ञान के अभाव में भी भाव विशुद्धि मात्र से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति संभव हो जाती है। और 12 अंगों के अध्ययन करने पर भी कभी पूर्ण श्रवणता संभव नहीं हो पाती। भाव प्रावत ग्रंथ गाथा 52-53 में इसका समर्थन इस प्रकार किया गया है, भव्यसेन नामक मुनि ने 12 अंग व 14 पूर्व रूप समस्त श्रुत ज्ञान को पढ़ लिया था, तो भी वह भाव श्रवणता को प्राप्त नहीं हुआ। और दूसरा उदाहरण क्या दिया, तुस्मा संभूषण तो भाव विशुद्धो महान भावो या प्रामेण या से हुई केवल नाणी भूरम जाओ। यह बात सर्वप्रसिद्ध है कि विशुद्ध भावों के धारक एवं अत्यंत प्रभावशाली सिद्धभूति मुनि मात्र तुस्मास पद का घोष उच्चारण करते हुए ही केवल ज्ञानी हो गए। वस्तुता सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र इन रत्नत्रय के सद्भाव में ही मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो पाती है। यद्यपि चारित्र में तप का अस्तित्व है,
चारित्र में तप भी अंतर्भूत है, किंतु विशेष महत्ता बताने के लिए दत्तात्रेय के साथ तप का पृथक परिगणन किया गया दृष्टिगोचर होता है। अतः इन चारों के समायोग से ही मोक्ष सिद्धि का निरूपण किया गया है। इन तीन या चारों में से किसी एक का भी अभाव हो तो मोक्ष की सिद्धि संभावित नहीं होती। दर्शन प्रावक ग्रंथ गाथा नंबर 30 में इसका समर्थन भी किया गया है। क्या कहा? हिराणीन दंशनेन या तवेन चरियेन संयम संयम गुणीन चौहीं पी समाजोगम मोक्षो जन शासने दिट्ठो। ज्ञान, दर्शन, तप व चारित्र, इन चार गुणों से संयम होता है और इन चारों का समागम होने पर मोक्ष होता है, ऐसा जिन शासन में कहा गया है। समय साथ गाथा 155 में भी निरूपित किया गया है। जीवादि सद्धैर्णम सम्मतम तेसिम मदिगम्मो नाणम प्रायादि परिहरणम चरणम एसो दूतो मोक्ष पहो। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक है, उसको ठीक ठीक जानना सम्यक ज्ञान है, और रागादि का त्याग करना चारित्र है। ये तीनों ही मोक्ष का मार्ग है। भगवती आराधना ग्रंथ गाथा 768 में भी कहा गया है, हिडाणम पयासो सोदो तबो संयमो या गुत्तियरो तेनम की समा ओगो मोक्षो जिन शासने दिट्ठो। ज्ञान, संसार, संसार कारण, मोक्ष, मोक्ष कारण, इन्हें प्रकाशित करता है। तप निर्जरा का कारण है, संयम गुप्ति कारक है। इन तीनों ज्ञान तप संयम के मिलने पर जनागम में मोक्ष का होना बताया गया है। मूलाचार ग्रंथ गाथा 901 में निरूपित किया गया है, हिणाणम पयासो तभो सोदो संयमो या गुप्तियरो तिन्नम पिया संपजोगे बोधी हो जन शासने मोक्षो। ज्ञान प्रकाशक, तब शोधक और संयम रक्षक गुप्तिकारक, इन तीनों के मिलने पर ही जिन शासन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। चारित्र प्रावक ग्रंथ गाथा 18-19-40 में भी उक्त कथन है, जब यह जीव समीचीन दर्शन के द्वारा सामान्य सत्तात्मक पदार्थों को देखता है, सम्य ज्ञान द्वारा द्रव्य व पर्यायों को जानता है तथा सम्य दर्शन के द्वारा उनका श्रद्धान करता है, तभी चारित्र संबंधी दोषों को छोड़ता है। ये तीनों भाव सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान व सम्य चारित्र मोह से रहित जीव के होते हैं। आत्मगुण की आराधना करने वाला निर्मोही जीव शीघ्र ही कर्मों का नाश करता है। और क्या कहा? दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों रत्नों का अत्यंत श्रद्धा से जान, इन्हें जानकर मुनिजन शीघ्र ही निर्वाण प्राप्त करते हैं। प्रवचन सार ग्रंथ गाथा 1:6 में भी कहा गया है, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से जीव को देवेंद्र, असुरेंद्र, मनुजेंद्र, मनुजेंद्र मतलब चक्रवर्ती आदि के वैभव के साथ साथ निर्वाण भी प्राप्त होता है। संक्षेप में कहें तो मात्र सम्यक चारित्र से भी मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि सम्यक चारित्र यदि होता है तो सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान इन दोनों का सद्भाव होता ही है, अन्यथा उस सम्यक चारित्र की संज्ञा मिथ्या चारित्र हो जाएगी। चारित्र प्रावक ग्रंथ गाथा 3 में भी यह कहा गया है, जम जाने तम नाणम जम पिछय तम च दंशनम भणियम नाणस्य पिछयस्य या संवर्णा होई चारित्रम। जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता अथा श्रद्धान करता है वह दर्शन का ज्ञान। चारित्र तो ज्ञान व दर्शन के संयोग से संपन्न होता है। यह विशेष ज्ञातव्य है, सम्यक चारित्र के बिना ज्ञान की स्थिति कोठार में रखे हुए बीज की तरह निष्क्रिय एवं उत्पादकता रहित अकार्यकारी होती है। नियमसार ग्रंथ गाथा 76 की टीका में मार्ग
प्रकाश ग्रंथ के उद्धृत श्लोक में भी यह बताया गया है, जिस चारित्र के बिना सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान ये दोनों कोठार में रखे हुए बीज के समान निष्क्रिय होते हैं। सुर असुर व मनुष्यों के द्वारा संस्तुत तथा जिनेन्द्र उपदिष्ट चरण चारित्र को मैं पुनः पुनः नमन करता हूँ, और ज्ञान व क्रिया दोनों से मोक्ष होता है यह सिद्धांत है। जैसे किसी एक चक्र में रथ नहीं चल सकता, वैसे ही मात्र ज्ञान से क्रिया से मोक्ष संभव नहीं है। इस प्रकार क्रिया रहित या सम्यक चारित्र रहित ज्ञान मोक्ष मार्ग के रथ को चलाने में सक्षम नहीं होता। चारित्र रहित ज्ञान की निरर्थकता अन्य शास्त्रों में भी निरूपित की गई दृष्टिगोचर होती है, जैसा कि मोक्ष प्रावत ग्रंथ गाथा 57-59 में निरूपित किया गया है। क्या चारित्र रहित ज्ञान से कौन सा सुख मिल सकता है? इसी तरह सम्यक दर्शन रहित तपश्चर्या युक्त कर्म से भी क्या सुख है? 6 आवश्यक आदि अन्य कार्यों में भी भाव रहित प्रवृत्ति से भी क्या सुख मिलेगा? अर्थात नहीं मिलेगा। जो ज्ञान तप से रहित है वह निरर्थक है, और जो तप भी ज्ञान से रहित है वह भी निरर्थक है। इसलिए ज्ञान व तप चारित्र से युक्त जीव को निर्वाण प्राप्त होता है। यहाँ इस प्रकरण में ज्ञान पद की शुद्धात्म ज्ञान या शुद्धात्मानुभूति का ही ग्रहण करणीय है। शुद्धात्म ज्ञान के अभाव में बहुश्रुत ज्ञानी का भी चारित्र जो होता है वह बाल चारित्र ही है। इसका मोक्ष प्रावत ग्रंथ गाथा 100 में भी इस प्रकार समर्थन प्राप्त होता है। यदि कोई मुनि अनेक शास्त्रों को पढ़ता है तथा नाना प्रकार के चारित्रों का पालन करता है, उसकी वह सब प्रवृत्ति आत्म स्वरूप से विपरीत होती है, इसलिए वह बाल श्रुत व बाल चारित्र कही जाती है। समयसार ग्रंथ गाथा 152-154 में भी इस प्रकार स्पष्ट किया गया है, जो मुनि ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थिर ना होकर तप करते हैं और व्रत धारण करते हैं, उस सभी व्रत व तप को सर्वज्ञ देव ने बाल तप व बाल व्रत कहा है। जो जीव परमार्थ से बाह्य हैं, वे व्रत व नियमों का धारण करते हुए तथा सील व तप को करते हुए भी मोक्ष को नहीं प्राप्त करते हैं। जो जीव परमार्थ से बाह्य हैं, परमार्थ भूत ज्ञान स्वरूप आत्मा के अनुभव से रहित हैं, वे अज्ञान वश पुण्य की इच्छा करते हैं। यद्यपि वह पुण्य संसार गमन का कारण होता है, तथापि वे उसकी अच्छी इच्छा करते हैं। ऐसे जीव मोक्ष का जो हेतु ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसे नहीं जानते हैं। और सर्वागमधारी भी यदि चारित्र मोहिनी के उदय से रागादि के वशीभूत होकर चारित्र भ्रष्ट हो जाए, तब वह शुद्धात्म ज्ञान से रहित ही है। यह 85 का ग्रंथ गाथा 167 में भी कहा गया है। क्या जिसके हृदय में पर द्रव्य संबंधी थोड़ा भी राग है, तो वह समस्त शास्त्रों का पारगामी होने पर भी स्व किए समय शुद्धात्मा को नहीं जानता। किंतु जो शुद्धात्म ज्ञानी होता है वह तो इंद्रिय विषयों में स्वच्छंद विचरण करने वाले मन रूपी हस्ती को अपने ज्ञान रूपी अंकुश के द्वारा वश में करता है। उसी के समय चारित्र में ज्ञान की शुद्धता या सार्थकता होती है। इसलिए भाव प्रावत ग्रंथ गाथा 80 में निम्नलिखित रूप से उपदेश किया गया है, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम 12 प्रकार के तपश्चरण और 13 प्रकार की क्रियाओं का मन वचन काय से चिंतन कर तथा मन रूपी मध्य हाथी को ज्ञान रूपी अंकुश से बस में कर। इस प्रकार पूर्वोक्त शास्त्रीय उद्धरणों के आलोक में यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्यक चारित्र के होने पर ही ज्ञान की सार्थकता है, और सम्यक चारित्र के अभाव में
उस ज्ञान की निरर्था निरर्थकता है यह सिद्ध हो जाता है। शेष विषय कल देंगे, आज के लिए इतना ही। जय गुरु हरसनाथ भगवान की।